मेरा फर्स्ट टाइम जब इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था, आई 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 वाज 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 अगेन वेरी यंग मस्ट बी और दैट हैड ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स। जूलन गोस्वामी वाज देयर, रीमा मल्होत्रा अमिताभ शर्मा वाज देयर, प्रीति डिमरी वाज देयर, नीतू डेविड आई थिंक जी देखने के बाद चल गया वो था ना फील्डिंग पे किसी से छूट रहा है किसी से कुछ हो रहा है तो नीतू डी दी जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड मी सेइंग तू क्या खा के आती है तू बस झुकती और बॉल पकड़ लेती है पॉइंट पोजिशन विच इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट पोजिशन आप स्लिप अगर मैं बात करूँ की बिकॉज पता है वहाँ बॉल पड़ेगा तो टर्न करना है यू हैव टू बी अ वेरी गुड जज ऑफ द बॉल की वहाँ पढ़ के कहाँ जाने वाला है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि इतने बड़े इतने बड़े पे पे आके मुझे से निकल के आ, people are praising and phones नहीं होते थे उस हमारा कैंप लगा था इंफोसिस मैसूर में कैंपस के अंदर एक पी सी होता था आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड आई टोल हैप्पी क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है रेदर हम एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं जो कि हमारे पूरे इंडिया को एक साथ लाता है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड आज के पॉडकास्ट में हम क्रिकेट सेलिब्रेट करने वाले हैं और हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं उनका नाम है सुरभी ददीची शी इज़ द ओनली फीमेल क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया था 2005 में शी इज करंटली द चेयरपर्सन ऑफ जे के सी ए एंड ऑल्सो लेवल वन कोच ऑफ बी सी सी आई आज के पॉडकास्ट में हमने क्रिकेट के बारे में तो बात की ही है लेकिन आ, हमने फीमेल क्रिकेटर्स के बारे में बात की है फीमेल स्पोर्ट्स मैनशिप के बारे में बात की है क्यों जम्मू एंड कश्मीर में हम बहुत कम फीमेल क्रिकेटर्स देख रहे हैं रेदर स्पोर्ट्स पर्सन देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बात हुई है उनके एक्सपीरियंसिस के बारे में बात हुई है उनका खेलना पाकिस्तान में कैसा रहा उसके बारे में बात की है एंड बहुत ही फ्रूटफुल uh, और मीनिंगफुल बातें हुई हैं क्रिकेट को लेके uh, तो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं आई होप आप लोग ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे बहुत ही स्वीट बहुत ही सिंपल पॉडकास्ट है uh, एक फीमेल क्रिकेटर के नज़रिए से uh, तो अगर आप इस पॉडकास्ट को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज टू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्टेड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट आज का एपिसोड जिनके साथ हम शूट करने वाले हैं इट्स मोर देन ऑनर फॉर मी टू हैव हर बिकॉज फर्स्ट

फॉर कमिंग um, पहले मुझे आपके स्वर नेम की कहानी जाननी है बिकॉज इट्स वेरी न्यू टू मी आई मुझे बताएं ददीची कैसे पढ़ा आपका नाम ओके okay. सो so, ददीची एक पहले मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ आप ही नहीं हो जो सर नेम को समझ नहीं पा रहे हो स्कूल uh, टाइम से आई हैव फेस्ड दिस थिंग ओके वेर इन दधीची का कुछ भी बन जाता था बगीची दालचीनी yes. कुछ भी बन जाता था <laughs> तो उस टाइम पे तो समझ नहीं आती थी, थी कि कैसे एक्सप्लेन करें hmm. बट दधीची एक ऋषि थे ओके okay. जिन्होंने अपनी बोन्स hmm. भगवान शिव को डोनेट की थी दी गई थी टू क्रिएट टू मेड टू मेक वेपन्स ओके सो उन वेपन्स को यूज किया गया था टू तो किल डीम एंड oh, okay. वो दधीची तभी से चल रहा है मेरा गोत्र है ओके okay. आ, तो मैं शादी से पहले का गोत्र है जो मैं अभी भी यूज करती हूँ बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ पीपल नो मी सो आई जस्ट डिड नॉट फील लाइक चेंजिंग इट ओके 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 नाइस वी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दे सकते हैं आ, जरूर um, जम्मू से यू मैं ना मेरा स्कूलिंग सारा जे से रहा जम्मू से रहा प्राइमरी से सेकेंडरी से, नागबनी आ, ओ, स्कूल से, आ, मैं पढ़ी हुई हूं। और बहुत सारी जो वैल्यूज शायद आ, आप कह सकते हो बच्चों में आज के बच्चों में बहुत देखी जाती है पेरेंट्स को डालनी पड़ती है वो स्कूल से बहुत आई है जी। जिस तरह से हमें हवन हर हर वीक हमारा हवन का एक अलग से सेशन होता था हमारी मॉर्निंग प्रेयर संस्कृत में होती थी सो मैं अपने बेटे को भी अभी कई बार वो संस्कृत का बताती हूँ ना तो वो कहता है कि आप क्या लैंग्वेज बोल रहे हो तो स्कूलिंग के बाद मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन मैंने गांधीनगर कॉलेज से की है सो दीन्स टू इंटेलेक् सो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपना मास्टर्स के लिए एम नोएडा Okay. okay an average child hmm. who was more into extracurricular activities hmm. uh, sports stage fair kabhi nahi from class 4 onwards i was part of debates declamation recitations and uh, one fine day my school sports teacher she since my sister elder sister she was a cricketer और स्कूल टीम में मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया था okay. ये बोल के की हाइट बहुत छोटी है hmm. ये नहीं खेल पाएगी hmm. तो बट स्पोर्ट्स टीचर थोड़ा सा शायद To my family's surprise, I got selected. My sister didn't get selected. Oh, okay. So that was the first breakthrough that I got. Okay. And there was no looking back since then. Okay. I got into professional cricket. Hmm. Uh playing under 14 levels. When I started uh, playing for the under 14 state team, hmm. the same year I was selected for under-19 team. Okay. When I started playing under 19 continuously, Dosal, years. Three years सिलेक्शन हुआ और आई थिंक आज तक मुझे भी ऐसा कुछ याद नहीं है मैं किसी मैच में वो एक्सपोजर वो एक्सपीरियंस हमारे कोचेज uh, थे यहाँ पे mm -hmm. सिखाते थे सब बहुत उन्होंने मोटिवेट किया बींग गर्ल uh, उसके बाद परफॉर्मेंस हुआ जोनल uh, टीम में सिलेक्शन हुआ okay. जूनियर नॉर्थ जोन मैंने खेले हैं जोनल टीम उस टाइम पे नॉर्थ जोन ईस्ट जोन वेस्ट जोन सबका अलग अलग होता था नॉर्थ जोन जूनियर लेवल सीनियर लेवल मुझे आई एम थैंकफुल टू गॉड मुझे नॉर्थ जोन का कैप्टनसी का भी चांस मिला ओके एंड ऑन द बेसिस ऑफ अगेन परफॉर्मेंस जो हुआ मेहनत थी उस टाइम की दो बार मेरा सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हुआ इंडिया कैंप में पूरे इंडिया से थर्टी थर्टी टू गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाता था okay. और उनका सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए होता था सो so, मेरे साथ एक और मेरी सीनियर थी डॉक्टर रूपाली सलाथिया सो वी वर द फर्स्ट वंस Uh, उस बैच में हमसे पहले भी एक दो हो चुकी थी जिनके लगातार दो साल इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ ओके एंड आई वाज वॉजन टू रिप्रेजेंट वन ऑफ़ द क्लब दैट वेंट टू पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट मैचेस आई प्लेड एट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर ऑल्सो एंड सिंस उस टाइम क्रिकेट को इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता था थोड़ा पता था कि शुरू से पढ़ाई तो नहीं उतना ज्यादा की लेकिन एक विजन था <laughs> कि ऐसे नहीं बैठना है सो आई जस्ट डिसाइडेड वन फाइन डे कि अभी हुआ क्रिकेट आई वांट टू डू समथिंग मोर सो आई स्टॉपड प्लेइंग क्रिकेट आई स्विच्ड ऑन टू स्टडीज एंड आई लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट इन 2006 ओके oh, सो okay. so, उसके बाद अपना मेरा एमबीए uh, किया टू माय सरप्राइज जो कि शुरू से मैं कभी भी 70

Somewhere or the other, and that's when I used to see my, you know, other friends who were still part of the game. And three years back in 2021, uh, I got a call from someone saying that JKCNA, Jammu Kashmir Cricket Association, ne ek invitation hai for applications of selectors, coaches, managers. So why don't you fill up the form? Okay. There was COVID ka time, I still remember, and I consulted my family. I really wanted to do it. I spoke to my husband. Uh, I kept my fingers crossed. I did not want anyone to say that, you know, they supported me. They were like, go for it. And that's what you were waiting for. Mm. That's what was inside you all these years. Now, if you are at least apply for it, let's see what happens. Mm. I applied for it. I got through. I. This is the fourth year. Uh, as in, since last three years, uh, the association gave me the responsibility of uh, being the chief selector for senior women and another Twenty Three group. Okay. Yeah. Okay. Um. When you said that you were selected for the Pakistan match, also did you win? Yes, it was a five-zero. It was a, you know, we we wiped out the series. Oh. Okay. So we won and. Uh, I was the youngest member of the team. I played alongside very, uh, uh, you know, very famous personalities. I would rather say in women cricket, only the women cricketers know them. But uh, to name few, Amita Sharma was there. Okay, she's again she's represented India. Hmm. Dima Malhotra, she's represented India. Okay, Neha Tanwar, she has represented India. So I played alongside them. I was part of all the games it was it was a learning experience not just in terms of the game hmm. but about life as well hmm. Hmm. Um, because abhi could aise circumstances hey um just about we should go to pakistan for the or not yeah yeah so what's your take in it uh, political views hmm. sport sport dekhe, hmm. i think was zyada बोथ द कंट्रीज शुड टॉक कम टू म्यूचुअल कंक्लूजन इफ दे वॉन्ट टू प्ले इफ द नॉट कम्फर्टेबल प्लेइंग इन वन कंट्री खुद में अग्री करो किसी और वेन्यू पे खेलते हैं बट लेक द प्लेयर्स नॉट सफर let द गेम द गेम शुड नॉट सफर और गेम के साथ साथ क्या है ना क्रिकेट एक ऐसा गेम है विच इज मोर लाइक आई would से लोगों के दिल में है प्लेयर्स से ज्यादा जो ऑडियंस है ना hmm. वो ज्यादा जुड़ी हुई है जी तो okay. हम वेट करते रहते हैं कब ऐसे मैचेस हों जहाँ पे हमारा भी ब्लड प्रेशर हाई हो और कौन जीतता है कौन हारता है ये देखने का भी एक अलग मजा है एग्जैक्टली सो आई थिंक वो द कंट्रीज शुड टॉक टू इच अदर म्यूचुअली डिसाइड करें बट hmm. कॉल ये uh, सवाल मेरे लिए सबसे पहले बहुत मायने रखता है आ, uh, जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं इट्स ऑलवेज इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द बॉयज टीम मेन टीम या मेन टीम लेकिन हम जब वुमेन की बात करते हैं इट्स वुमेन क्रिकेट टीम सो बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्वेश्चन क्योंकि बहुत जगह से पहले भी आया कि uh, हम क्रिकेट सोचते हैं देखते हैं तो हम विराट कोहली एम एस धोनी सचिन तेंदुलकर युवराज सिंह इन सब के लिए देख रहे हैं टू सम एक्सटेंट येस इट इज ट्रू आई थिंक मेजोरिटी उसको वैसे ही देखता है लेकिन मैं अगर पंद्रह बीस साल पीछे चले जाऊंगी ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर भी वैलिड था। है। अभी uh, है बट थोड़ा चीजें चेंज हुई हैं ओके okay. uh, मैं ये नहीं बोलूंगी कि चैलेंजेस है बट hmm. हम और क्या बेटर उसको कर सकते थे जो कर रहे हैं थोड़ा ट्राई कर रहे हैं मोर विजिबिलिटी मोर विजिबिलिटी की बात करें तो आई थिंक जो 2017 का वर्ल्ड कप था वो एक चेंजिंग फैक्टर था hmm. जिसमें इंडिया ने विमेन इंडियन क्रिकेटर्स ने पहला मैच इंग्लैंड को हराया ओके okay. वो मैच टेलीकास्ट हो रहा था टीवी पे था लोगों ने देखा दैट काइंड ऑफ टर्न अराउंड थिंग्स और पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिकेट क्योंकि पहला हराया फिर दूसरा हराया फिर तीसरा हराया इट टू सो वो विजिबिलिटी uh, आई है और आनी चाहिए मुझे लगता है क्योंकि मैं अभी uh, कभी यहाँ होती हूँ कभी मैं पुणे में कभी रहती हूँ तो जे एंड के मीन जे एंड के बट पुणे में भी कई बार uh, जिस सोसाइटी में मैं अगर किसी को बता दू ना कि मैं करती क्या हूँ तो पहले तो वो थोड़ा सा ऐसे देखते हैं फिर कई बार अगर मैं नीचे खे... मुझे भी मन तो करता है ये खेलने का <laughs> कि बच्चे खेल रहे हैं चलो मैं भी खेलूंगी तो तीन लोग शायद खड़े हो जाएंगे कि अच्छा इसलिए नहीं खड़े हो जाएंगे कि एक लड़की खेल रही है इसलिए खड़े हो जाएंगे देखते हैं खेलना आता भी है तो वो चीज अभी भी है बट वुमेन क्रिकेटर्स को विजिबिलिटी मिलना स्टार्ट हुई है ओके टू का वर्ल्ड कप मुझे अभी तक याद है मेरा नौ साल का बेटा uh, हम बैठ के मैच देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच था बहुत इट वॉज का ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिस mm. मैच में वैसा वाला मैच था नाइन ईयर सिटिंग विद मी वाज वाचिंग विमेन क्रिकेट मैच एंड दिस फ्रेंड्स कि इंडिया अभी जीती है नेक्स्ट मैच साथ में देखेंगे पार्टी करेंगे mm. तो वो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं आई है जेंडर mm. uh, सिर्फ विजिबिलिटी की अगर बात करूं लेकिन इंडोसमेंट्स अभी भी उतना नहीं अब वो इंडोसमेंट नहीं है तो कहीं कहीं विमेन क्रिकेटर्स को जो एक होता ना आप फिनेंशियली बूस्ट करते हो वो कम हो जाता है स्पॉन्सरशिप्स कम मिलती है। जो कि अभी भी मिलना स्टार्ट में जे एंड के कि अगर बात करूँ मैं नाम लेके बता सकती हूं कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जो एक किसी लेवल पे खेले हैं बट क्या उनके पास उतना ही इंडोसमेंट है और स्पॉन्सरशिप है जो मेन क्रिकेट में नहीं है वो मैं लाना पड़ेगा वो एज क्रिकेटर्स मैं सिस्टम में हूं तो आई एम शायद ट्विटर के थ्रू हम ट्राई कर रहे हैं एक रीच बढ़ाने का हम इंस्टाग्राम जो कि है नहीं एक वैसा प्लेटफॉर्म देयर आल्सो वी आर कोलैबोरेटिंग अपने लेवल पे पर्सनल लेवल पे ऐसे क्रिकेट चैनल्स पे uh, जो इंस्टाग्राम पे हैं ऐसे uh, अकाउंट से कि ओके दिस इज आर गर्ल शी हैज परफॉर्म प्लीज हाईलाइट हर Uh, there was a podcast two years back okay. the first of its kind that uh, uh, there is uh, this uh, page uh, indian domestic cricket forum okay on instagram they have a channel also uh, we kind of pushed then we told them we have we also have girls here in jnk so chake, two of her girls were part of the podcast okay so that kind of push hmm. that kind of pressure To कि ट्राइंग हमारे लड़कियों को वो बीते एक बड़े लेवल पे ना एक बड़ा स्टेट में हम जाते हैं तो एक ऐसा क्रिकेटर जिसने बहुत खेला है अभी भी मैन क्रिकेटर उसके पास है विजिबिलिटी अभी भी है मैनेजर्स है आज के टाइम पे पीपल आर मैनेजिंग देयर अकाउंट्स बट एक ऐसा क्रिकेटर जिसको राइस करना है जो अभी पहुंचा है ऊपर उसको पहुंचाने के लिए ना अभी स्ट्रगल है एक्सैक्ट मैन में आपने बाहर की स्टेट्स भी देखी हैं जम्मू से ही है व्हाट मेजर डिफरेंसेस यू फील जो यहाँ की वुमेन फीमेल क्रिकेटर्स में है या फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन में है जो बाहर में नहीं है इट्स ऑल इट्स ऑल हियर आई वुड से पहले की अगर मैं बात करूं अगेन मेरे मैं, मैं कंपैरिजन आपका जब भी आप पूछोगे ना मैं पहले और अभी केस में करूंगी क्योंकि शायद उस टाइम पे स्ट्रगल थी जो आज के टाइम पे कम है बट कहाँ हम लैक करते हैं वो बताने के लिए तो पहले के टाइम पे तो शायद रिसोर्सेज ही नहीं थे ओके okay. हमें क्रिकेट खेलने जाना होता था आ, बाकी स्टेट्स आ रही हैं अपने एसी बसेस में आ रही हैं अपने थर्ड एसी का उनका टिकट है स्लीपर क्लास में गई हूँ और हमारा सीट कई बार रिजर्व नहीं होता था और वो न्यूज पेपर okay. बिछा के बट वी बिकॉज वी वॉन्टेड टू प्ले वो एक पैशन था mm. हम जाते थे मैच okay. फीस कुछ ऐसा नहीं होता था Uh, मुझे याद है मुझे अपने पेरेंट्स से भी कभी बोलना होता था ना कि मुझे बैक लेना है और मैं ये नहीं बोल पाती थी मुझे इस कंपनी का लेना है okay. uh, हमारे शूज होते थे बाहर की स्टेट्स में hmm. प्लेयर्स को मिल रहे हैं उनके पास हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ये पहले का अगर आपको बताऊं दे यूज टू हैव दिस बिग किट बैग्स जिसमें हर एक प्लेयर का इंडिविजुअल क्रिकेट पैड्स हैं बैट है हेलमेट है एवरीथिंग ऑल द इक्विपमेंट्स हम लोग एक टीम का किट बैग लेके जाते थे एक दो कोई प्लेयर्स थे जो दो हैड हम मांगते थे यार तेरा बैटिंग हो गया चल अभी मेरी बारी ओके okay. और शूज तो मुझे अभी भी ध्यान है बहुत टाइम की बात है पता चला एक पंजाब में कोई कंपनी है कोई एक मैन्युफैक्चरर है या आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस आर के उस टाइम पे पैट होते थे शूज होते थे स्टड्स so, uh, जाते थे तो हम लोग को नहीं पता था हम लोग नॉर्मल जॉगर्स पहन के खेल रहे हैं और स्टड्स के पैसे भी मांगने के लिए क्योंकि मैच फीस नहीं होता था ना देन वी टूज टू गो टू अर पेरेंट्स कि ऐसे ऐसे है हमें ना बोला गया है पहनो तब हम लेते थे ये डिफरेंस पहले था <laughs> बाकी स्टेट्स और हम में ग्राउंड नहीं होती थी नेट्स प्रॉपर होते थे हमारे कोचेस थे टू नेम फ्यू वीना शर्मा मैन रही हैं, शंभू सर रहे हैं नवीन सर रहे हैं उनसे जो बन पड़ा उन्होंने हम प्लेयर्स को कराया वीरेंद्र सर थे राजन सर हैं अ क्या हो गया है अब वी हैव हाँ रिसोर्सेस ऐसी बात नहीं है बाकी स्टेट से कंपेयर करो उनके पास शायद थोड़े और ज्यादा हैं एसोसिएशन को नहीं मैं इसमें वो करूंगी अगर मैं लोकली बात करूँ बिकॉज लोकली बहुत एकेडमीज अभी पिछले तीन साल ओपन हुई हैं बट दे आर स्टिल लेस टू दैट वी सी इन अदर स्टेट्स अब जितना ज्यादा एकेडमीज जितने ज्यादा एरियाज को कवर करेगा अ वुमेन क्रिकेटर बिकॉज फैमिली ही बोलती आप कितने दूर जा रहे हो कैसे जा रहे हो जितना अकेडमी uh, ज्यादा खुलेगा ना अलग अलग रीजन में उतना लड़कियों के लिए इजी होगा ट्रैवल करना hmm.

अगर हमारी जगह जगह रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ रिसोर्सेज की बात करूँ अकेडमीज खुलेंगी उन लड़कियों को बहुत दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा ट्रेवल का टाइम सेव होगा प्लस आ, बाकी स्टेट्स में कहीं ना कहीं अभी भी ना प्लेयर्स में वो एक आ, हमारे यहाँ भी आना स्टार्ट हो चुकी है सेल्फ केयर क्या होता है आप एक प्लेयर हो आपको डाइट क्या खाना है आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको कितना लेना है आपको क्या ऐसी चीज करनी है जिससे आपको इंजरी ना हो hmm. ये एक प्रोसेस है टाइम hmm. के साथ साथ आता है uh, क्योंकि वहां पे एक्सपोजर बहुत जल्दी हुआ बहुत ज्यादा हुआ मेन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व सो वहां का गर्ल्स हमसे चार साल आगे है वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग देयर अभी यहाँ पे ये डिफरेंस वी हैव गर्ल्स फ्रॉम पुंछ रजौरी वी हैव गर्ल्स फ्रॉम भदरवा उधमपुर के आउटस्कर्ट से हैं जब वो यहाँ आई अभी दो तीन साल पहले की मैं आपसे बात करू फिटनेस लेवल वॉज नॉट अपू देवर एक्सट्रीमली गुड अगर मैं टैलेंट की बात करू hmm. हम जाने नहीं देना चाहते सो वी वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम ऑन देम इन्वेस्ट नॉट स्पेंड रैम उनको कैंप्स दिए जा रहे हैं आप दिए जा रहे हैं okay. उनकी फिटनेस पे काम हो रहा है यहाँ गर्ल्स को ये पता प्लेयर्स को ये पता रहना कि मेरी फिटनेस के लिए मुझे आधा घंटा नहीं शायद मैं बीस मिनट ही स्ट्रेंथ करूँ आधा घंटा कंडीशनिंग भी करूँ ये आने में अभी थोड़ा थोड़ा और टाइम लग रहा है so. तो क्योंकि एक एक फिटनेस एक ऐसी चीज है कि आप उस पर ध्यान देना शुरू करोगे आपका आप चाहो एक अच्छे बॉलर हो आपका आप अच्छे बैटर हो आपका गेम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा

जैसे अभी आप फिटनेस की बात कर रहे थे uh, uh, मैं बोल सकती हूँ जो वन शुड टेक केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ वुमे वुमेन हाइजीन पे yeah. बहुत ध्यान देना पड़ता है mm -hmm. क्योंकि हमारे क्रिकेट uh, ग्राउंड या फिर वॉशरूम्स में बात करूँ वो डिजाइन किए गए हैं uh, पहले डिजाइन किए गए थे फॉर द मेन टीम नॉट फॉर द वुमेन तो ऐसा कोई इशू आपने फेस किया जब आप खेल रहे थे या फिर इन टाइम्स अभी कुछ ऐसा इशूज होता है क्योंकि um, मैं अगर बोल तो कहूँ वी से एक अच्छा आपने पॉइंट uh, एक अच्छा टॉपिक पे आप मुझे लाए क्योंकि आज की यहाँ की लड़कियां स्पेशली जी hmm. के कि अभी भी खुल के इस बारे में बात नहीं hmm. करती क्रिकेट से मैं इसको रिलेट करूं तो वापस hmm. अगर अपने टाइम पे जाऊं लॉट ऑफ इश्यूज आई स्टिल रिमेम्बर एमए स्टेडियम स्टेडियम के कॉमन वॉशरूम्स होते थे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज वॉशरूम इन स्पेशली ड्यूरिंग डेज बिकॉज हाइजीन की बात है बट वी अदर ऑप्शन अगेन हाइजिन के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी जैसे भी आर गिविंग प्लेयर्स प्रॉपर आर ओ वॉटर फिल्टर्ड वॉटर आ hmm. फिल्टर रहा है आप खेल रहे हो एज अ प्लेयर यू नीड दैट वो थोड़ा मिसिंग रहता था बट इफ आई कंपेयर इट टू नाउ टू डेज टाइम ऑलमोस्ट ऑल दी एकेडमीज मेजर एकेडमीज दे हैव सेपरेट वॉशरूम फॉर मैन वीमेन आई पर्सनली हैव सीन ओके सम ग्राउंड्स वेयर दे हैव मेड

girls have come to terms with this thing or i would say players have come to terms this with, with this particular thing ki ha periods hai to kya hua hmm khelna hai hmm hamare time pe to whites uniform hota tha yeah. like when i used to play colored uniform nahi tha it hmm. came after like 2006 2007 when bcci took over हमारे time पे whites में खेल रहे हैं हम tension hmm. भी होता था खेलते भी थे okay. आज का टाइम पे कलर्ड है गर्ल्स आर लीस्ट बॉर्डर्ड उनको पता है कि

पाकिस्तान का इंसिडेंट आपको बताऊंगी वॉज सिक्सटीन और सेवनटीन ईयर सेवनटीन ईयर वी क्रॉस्ड वाघा बॉर्डर बाय रोड हमें जाना था और ऐसा नहीं था कि यूजुअली क्या होता है आपके के टाइम पे तो आप ही प्लेन में बैठे हो जाओ लैंड कर रहे बना रहे ऐसा कुछ नहीं है बाय

नहीं देखा जाता था वैसे पूछा नहीं जाता था hmm. आ, तो एक आपको प्लस जिस तरह से आ, हमारी स्टेट एसोसिएशन ने उस टाइम पे हमें वेलकम किया hmm. आ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बड़ी मोमेंट थी बहुत बड़ी मोमेंट थी मैं इंडिया का एक दूसरा मोमेंट तो मैं आपको बताती हूँ जिसने मुझे लगा कि हाँ आई मेड माई नॉट जस्ट माई सेल्फ प्राउड माई स्टेट प्राउड माई पेरेंट्स प्राउड My first time, when uh, India camp selection hua tam, mm -hmm. I was again I was very young, must be fifteen or sixteen, and the group that I had, uh, sixteen-year-old, the mm -hmm. group that I had was full of uh, Indian cricketers. Okay, Julan Goswami was there, Rima Malhotra, Amita Sharma was there. Uh, there were a few more cricketers. Preeti Dimri was there. Neetu David was. Okay. Uh, कुछ हो रहा है तो नीतू डी दी जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड मी से क्या खाके आती है तू बस झुकती है और बॉल पकड़ लेती है दिस स्टार्टेड गिविंग मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग एट द पॉइंट पोजिशन

कैंपस के अंदर हुँ. एक पीसी होता था आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड आई आई देम कि ऐसे ऐसे हुआ है आज मेरे साथ सो वाज रियली रियली हैप्पी हैप्पी ओके अब इंसिडेंट की बात करोगे तो पता नहीं कितने निकल जाएंगे <laughs> एक मैं आपको बताती हूँ हमारा नेशनल टूर्नामेंट होने वाला था हुँ. और हम अपना प्रैक्टिस करके ग्रीन फील्ड में शायद यूनिवर्सिटी में शायद ग्राउंड में प्रैक्टिस था और मैं स्टेडियम आई अपने एक सीनियर के साथ कि चलो

I I got hurt, and uh, the next thing I remember was I was in the hospital, and I had art stitches. Laghe, okay. And after a day, I had to travel to Punjab for national matches. I did not cry, I kind of begged my parents ki, bhejo, hmm. jana hai, khelne ke liye. I had my senior with me, uh, she was there with me at my home also. और मैं उनको बोल रही हूँ अपने पेरेंट्स को कि शी इज़ देयर शी इज़ देयर विद मी मुझे कुछ नहीं होगा वो संभाल लेंगी मैं पंजाब पहुंच के मैच खेल रही हूँ आई हैड माय स्टिचेस ऑन एंड आई टुक फाइव विकेट्स आई प्लेड आई टुक फिजियो नहीं होते थे उस टाइम पे होते तो वो मुझे मना कर देते कि ये खेल नहीं सकती ये कंकशन का केस है छोड़ दो बट आई प्लेड आई टुक फाइव विकेट्स एंड वो मोमेंट अभी तक ना सिर्फ मेरे लिए अभी भी हम एक्स क्रिकेटर्स बैठते ना तो ये बात करते हैं कि इसके आठ स्टिचेस लगे थे एंड शी प्लेड एंड शी टुक एक आंख बंद है एंड आई वाज बॉलिंग एंड आई टू विकेट्स सो वो एक अपने बेटे को कई बार उस मोमेंट का बताती हूँ okay. कि छोटा मोटा लगना कुछ नहीं होता <laughs> जी बिल्कुल um, जैसे अब um, हम बॉलीवुड या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं अब हाईलाइट हो रहा है कि वुमेन क्रिकेट टीम पे वुमेन क्रिकेट प्लेयर्स पे मूवीज बन रही है डेट दैट बूस्ट कि हाँ वुमेन क्रिकेटर्स यस यस काइंड ऑफ बूस्टेड द गेम रूरल में ज्यादा आई वुड से अर्बन में पीपल वर स्टिल अवेयर ऑफ हु द वुमेन क्रिकेटर्स आज के टाइम पे बात नो वुमेन क्रिकेटर्स आर मेनली इंडिया की बात करूं बट रूरल में पीपल नॉट अवेयर देर गर्ल्स इन श्रीनगर कुपवाड़ा लास्ट इी देब एंड की तरह बैटिंग करना है सो कहीं ना कही वो वहां तक पहुंचा है मूवी सो अभी आई थिंक एक और मूवी आ रही है जूलन दी की भी सो वो कहीं ना कहीं इन पैक्ट इसीलिए क्रिएट करेगी क्योंकि ये सब क्रिकेटर्स में भी एक स्ट्रगल के बाद ऊपर आए किसी mm -hmm. को भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला आज के टाइम पे हम फिर भी कह सकते हैं ठीक uh, है फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट स्मृति शी हैड हर ब्रदर हु यूज्ड टू प्ले उसको स्टार्टिंग से उस लाइन में रहा <laughs> इंटरेस्ट खेलती रही बट लॉट ऑफ अदर क्रिकेटर्स है और भी हैं <laughs> वो एक उन्होंने अपने घर में ना एक वो होता है ना क्रांतिकारी बन के एक रेवोल्यूशन लाया कि <laughs> नहीं भाई मुझे जाना है खेलना है मेरा दादी चाहो कुछ भी बोले <laughs> कि लड़कियां खेल नहीं खेलती हैं वो उन्होंने देखा दे को रिलेटेड <laughs> और आई थिंक वो को जब कर पा रही है ना तो वो उनका मन कर रहा है खेलने का एग्जैक्टली जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं जिसके आप पार्ट जी जम्मू एंड कश्मीर में अभी इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ कि क्रिकेट की क्या पोजीशन है क्योंकि वी आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द प्लेयर्स जो यहाँ पे है मे बी बिकॉज वो इतने रेनाउंड नहीं है या फिर उनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है लाइमलाइट में नहीं है आप मुझे ओफिको बता सकते हैं कुण कुण एक पिक्चर ही उस चीज का बना के दूंगी सो दैट यू कैन स्टार्ट विजुअलाइजिंग आल्सो आपने सही कहा जे के क्रिकेट एसोसिएशन काम कर रही है लेकिन विजुअल जो मैं विजुअल तो नहीं था विजिबिलिटी स्पेशली फीमेल प्लेयर्स प्लेयर नलिकेटर्स अगेन पार्ट ऑफ जोनल चैलेंजर्स देर इज वन क्लेयर और uh, uh, mm -hmm. mm -hmm. uh, okay. uh, लोगों को नई hmm. पता है बहुत कम लोगों को पता है जे एंड के क्रिकेट एसोसिएशन लास्ट तीन चार साल से कॉन्टिन्यूसली uh, काम कर रही है लेकिन किस डायरेक्शन में आ, वो भी बहुत लोग नहीं जानते हैं जो एक चैलेंज होता था ना कि अरे के मैचेस आने वाले हैं लड़कियां खेलनी है लड़कियों ने खेलना है ये बारह नाम है ये पंद्रह नाम है चलो बुलाओ टूर्नामेंट से दस दिन पहले लड़कियां आ रही है सब कमेटी अभी इस करंट

जगह जैसे मैंने आपसे कहा कुपवाड़ा भदरवा डोडा पुंछ राजौरी उधमपुर कठुआ ओके अन्ंतनाग बीज बिहारा लोग जाते नहीं वहां एक टीम बनाया उस टीम को पहले सिलेक्शन कमेटी की उस टीम को उन्होंने वहां भेजा इट्स प्रोसेस अगेन उन्होंने पहले कुछ एप्लीकेशन मांगी कौन से प्लेयर इंटरेस्टेड हैं कौन से आना चाहते हैं कौन से ट्रायल्स देना चाहते हैं फॉर्म फिल करें वो फॉर्म लेकर बिकॉज क्या हो जाता है ना कई बार अगर आप इस पर भी चेक नहीं रखो तो कुछ ऐसे रहते हैं बहुत सारे बीच में ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कुछ चीजें स्पॉयल भी करने के उसमें रहते हैं सो वी मॉन्टेड टू

प्रॉपर आधार कार्ड प्लीज चेक एवरीथिंग डेट ऑफ बर्थ बिकॉज अगर हम डेट ऑफ बर्थ चेक नहीं करेंगे अंडर नाइनटीन में या अंडर ट्वेंटी थ्री में सो गर्ल्स इन वी है टीम टीम ऑफ मेन एंड वीमे सिलेक्शन कमेटी प्रॉपर ट्रायल्स लिए गए नॉट जस्ट वन डे वी गेट दैन टू डेज कि हर बच्चे को लगे उसको मौका मिला है mm -hmm. और मौका इसलिए नहीं कि हमें उनको निकालना है अगर एज अ सिलेक्टर मैं ये सोचूंगी शुरू से दिमाग में रखूंगी अरे मुझे रिजेक्शन मोड पे ही जाना है तो मैं अपना टैलेंट पूल नहीं बना सकती mm -hmm. तो मैं उनको इकट्ठे नहीं कर सकती तो वी डिड नॉट वॉन्ट टू रिजेक्ट पीपल वी डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक हार्टी वेड टू सी कि अच्छा देखो और भी बच्चे हैं किस लेवल पे क्या खेल रहे हैं द चाइल्ड शुड बी एबल टू जज अरे अच्छा ठीक है मुझे और बेटर करना है इससे सो so, हमने वो दो दिन तीन दिन की एक्टिविटी हर जगह पे जाके की और एट द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी मुझे नहीं याद है अभी भी मैं बीच बीचविहारा में थी कि किसी बच्चे ने किसी लड़की ने मेरे पास आके ये बोला कि मैम मुझे चांस नहीं मिला मैम अगर मैं सिलेक्ट नहीं होगी तो मेरे को किसको कंप्लेन करना है दे ऑल वर लाइक कि मैम कब तक पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आया है और मैम हम कहा और प्रैक्टिस कर सकते हैं okay. कौन सी जगहों पे जाके मैम गाइड करो ये पॉजिटिव आई uh, वुड से उनपे इफेक्ट था इस चीज का सो so, हमने ये चीज करना स्टार्ट की जिससे हमारा लड़कियों का एक नंबर इकट्ठा होना hmm. स्टार्ट हुआ हमने प्रॉपर टैलेंट हंट मैच कराएर क्लोज टू एट टू टेन टीम्स उनके लड़कियों के मैचेस हुए ट्रॉफी हमने बेस्ट बॉलर फील्डर टू मोटिवेट देम टू बूस्ट वट दे है माइंड और यू नो यू जस्ट है एक मैच में किया दूसरे ने दूसरे में किया एक सबको ट्रीटमेंट दे के वो मैचेस हुए हमने उनमें से बच्चे शॉर्टलिस्ट किए कॉन्टिन्यूअसली अप्रैल से हमारा एक्टिविटी चलता है ये मैचेस तो सेप्टेम्बर में अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं बट अप्रैल से हमारी एसोसिएशन एक्टिव होती है okay. ट्रायल्स होता है कैंप्स चल रहे हैं और कैंप्स में भी क्या हो रहा है

सो so, वो कोचेस वो सेशंस लेते हैं फील्डिंग कोचेस बैटिंग और सिर्फ नेट में नहीं है लड़कियों को पहले क्या होता था ना हम मुझे भी याद है हम लोग खेलते थे मैं एक दिन सेंटर विकेट पे चली गई एक सीनियर ही कोई थे तो उन्होंने मुझे ना बहुत डांट करके बोल दिया कि तुम क्यों आई हो बीच में खेलने के लिए यहा मेन के मैचेस होने हैं और आ, और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत नया प्लेयर कोई थी आ, उस टाइम पे भी मैं स्टेट कैप्टन कर चुकी थी ओके okay. तो नहीं मिला हमें बुरा भी लगा आ, सो अभी जितना भी हम लोग यहाँ पे भी एसोसिएशन में है ना वीर ऑल एक्स क्रिकेटर्स हम उस दौर से गुजर चुके हैं okay. सो अब हम जो मैं आपको बता, बात बता रही हूँ हम सिर्फ उनको सीमेंटेड विकेट तक नहीं रख रहे वी आर गिविंग Okay. आओ खेलो मैचेस खेलो सेंटर विकेट पर नहीं खेलोगे बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपॉर्चुनिटी hmm. so, पिछले तीन साल से जो लड़कियों को मिल रही है द गर्ल्स वर आल्सो सरप्राइज क्या हम सेंटर विकेट पे खेलेंगे यस ना विल प्ले हियर ओनली वी हैव ग्राउंड्स अभी हमारे पास वी हैव टाइड अप विद फ्यू अदर पीपल ऑल्सो अलग अलग ग्राउंड पे भी उनको भेज रहे हैं कैम्प के लिए बट वी आर मेकिंग प्ले इन देंटर विकेट सो hmm. so, वो सेंटर विकेट पे मैचेस उनको मिलते हैं

पहला तो आई थिंक बहुत शुरू में मुझे भी तक याद है मैंने खैर पढ़ा ही है उसके बारे में शायद वीडियोस भी नहीं देखी 1970 आई uh, थिंक 1970s में ही हुआ था 76 77 में फर्स्ट टेस्ट मैच था उनके इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में और इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने के लिए शांता रंगास्वामी मैम उस टाइम पे कैप्टन थी दिस इज लाइक 4748 इयर्स बैक ओके एंड वी लॉस्ट ना

मैंने आपसे आपका बेस्ट एक्सपीरियंस पूछा देर मस्ट बी सम लो एक्सपीरियंसेस या ना आप कह सकते हैं कि कुछ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी लाइफ में अराउंड क्रिकेट जिससे आप थोड़ा निराश हुए होंगे इफ यू कुछ शेयर या सो आई वाज आई वाज पार्ट ऑफ सीनियर जोनल टीम उस टाइम पे अंजुम चोपड़ा दी वॉज द कैप्टन ऑफ माई साइड ओके और I was in 11, में एक यार, आपको लगता है आप इंपॉर्टेंट पार्ट हो भी बट जब आप इतने बड़े प्लेयर्स के बीच में खेलते हो आपसे आप इतना आप आप एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं न, नहीं होते हो सो so, वो एक ऐसा टूर्नामेंट था अ uh, सीनियर जोनल मे बी आई कुड नॉट परफॉर्म आई स्टार्टेड फीलिंग लो और परफॉर्म भी शायद इस वजह से मेरा बॉलिंग में uh, समझ नहीं होता था उस टाइम पे कि अगर विकेट नहीं मिल रहा है बॉल अच्छा कर रहे हो तो कोई बात नहीं है <laughs> मेरे लिए ये होता था विकेट नहीं मिल रहा है और सब मुझसे बड़े हैं सब इतने बड़े जया शर्मा कि मेरा मेरा हिम्मत नहीं होता था उनसे बात करके पूछूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोचेस भी थे बट जोनल थे इतना कंफर्टेबल नहीं होती थी तो आई डिड नॉट डिस्कस एनीथिंग विद आई वेंट इनटू अ शेल वेर इन मुझसे फील्ड भी होना मुश्किल हो गया अः uh, कुछ वेर इन आई वॉज अ गुड फील्डर सो फिर जब भी मीटिंग्स होता था तो ऑफकोर्स होता है कैप्टन बोलता ही है ये प्लेयर्स को बुरा उस चीज का लगना नहीं चाहिए क्योंकि आपके भले के लिए बोल रहा होता है बट आप उस टाइम ऑलरेडी ऐसे एक माहौल में होते हो ना आपका मेंटली आप उस जोन में होते हो कि अगर आपको शायद राइट गाइडेंस नहीं मिला तो आप अपने शेल में चले जाओ एंड देट हैपन विद मी द इंटायर टूर्नामेंट आई कुड नॉट परफॉर्म दे स्टिल गेट मी चांसेज टू प्ले इन एलर आई कुड नॉट परफॉर्म और uh, मुझे उसके बाद uh, अपना सीनियर टीम कैप्टन भी करना था आई स्टार्ट इट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ मैं वहां कर पा रही हूँ मैं यहाँ खुद पे थी था कि मेरे टीममेट्स क्या सोचेंगे इसको कैप्टन कैसे फिर से बना दिया ये तो कर नहीं पा रही है इससे तो हो नहीं रहा है सो दैट वॉज काइंड ऑफ अ लो मोमेंट विच आई फेल बट गेम के अदरवाइज पॉइंट ऑफ व्यू या उसको सोचते हुए मैं देखूँ तो आई डोंट थिंक सो मैंने कभी अपने आप को उसके बाद उससे you know, पहले कभी बहुत लो उसमें रखा है इंडिया like you know, hmm. hmm. <laughs> yeah. yeah. um, और क्रिकेट फीवर हम सबको पता है कि इट्स मैन hmm. जैसे हम बोल सकते हैं जैसे आप बोल रहे हैं कि हार्ट रेट बढ़ा देता है वैसा ऐसा uh, कोई मोमेंट तो जिसमें आपको लगा हो कि मतलब world कप <laughs> 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 उसको कैसे बोल सकते हैं जी क्योंकि uh, अगर आप विमेन क्रिकेट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो भी जो लास्ट वर्ल्ड कप रहा yes. बट अगर ओवरऑल क्रिकेट एज अ गेम क्रिकेट एज स्पोर्ट की बात करोगे तो I think yeah. ये recent World Cup के matches ऐसे रहे हैं hmm. क्योंकि मुझे अभी तक याद है जो लास्ट ईयर वन डे मैच हुआ एंड टू ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स को तो जो फील हुआ हम नहीं समझ सकते hmm. मैं हम empathize, sympathize क्या कुछ नहीं कर सकते बट आई थिंक व्हाट दे उसका दस परसेंट पूरा कंट्री ने फील किया है yeah, exactly. we कि hmm. क्या हुआ है हम सबका शायद दो दिन तक जो बॉडी लैंग्वेज था ना वो ऐसा लूज uh, सा था कि वी कुड नॉट प्रॉपर्ली प्रॉपरली अंदर अंदर एक बैठते थे सोसाइटी hmm. क्या हो गया रोहित शर्मा का वो ना एक जो इमेज उस टाइम पे था वो वी वर एबल टू विजुअलाइज उस hmm. चीज को हाउ वी मस्ट फेल्ट And when we won this time, hmm. वो इमोशन ऐसे थे रात को साढ़े दस ग्यारह बज रहे है अरे ठीक है ना साथ में नेबर सो रहा है ना कोई बात नहीं चीखो चिल्लाओ हम जीते हैं सो मैच जीते है रात को सोसाइटीज uh, में रोड्स पे लोग निकल रहे हैं hmm. वो इसीलिए बिकॉज क्रिकेट इज सच अ गेम दो इट इज नॉट अ नेशनल गेम यस क्रिकेट इज सच अ स्पोर्ट

वो एक हमारा पूरा कंट्री में फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर विमेन क्रिकेट की बात करूं अबूजा वस्त्रकर है इज फ्रॉम अ वेरी रिमोट विलेज इन एम पी हरमन पंजाब में छोटे से जगह से थी नीतू दी छोटी सी जगह से आई है अभी के टाइम पे शेफाली वर्मा हरियाणा में एक छोटी सी जगह से है, है। रोहतक से आ, खेलना कैसे स्टार्ट किया बॉयकट कराया ताकि लड़कों के बीच में जाके खेल सकूं ताकि एक्सेप्टेंस रिचा घोष सिलीगुड़ी के पास एक छोटी सी जगह से है जब ये सारे लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ खेलते हैं ना तो पूरा कंट्री एक साथ हो जाता है इट्स क्रिकेट इज समथिंग दैट यूनिफाइज पीपल सो सब जोश में होते हैं अलग, अलग अलग पार्ट से तो वो पूरा इंडिया ही एक जोश में होता है hmm. ऐसा है yeah, exactly. um, आपका फेवरेट प्लेयर इस टाइम पे मैं विमेन क्रिकेट में uh, बात करूं तो मुझे हरमन का एग्रेशन बहुत पसंद है मेरे में लैक करता था वो शुरू से ही बाद में डेवलप किया मैंने पर्सनैलिटी हर एक का वैसा रहता है लाइक द वे शी कीप्स द ड्रेसिंग रूम एनवायरमेंट हैपी एंड पॉजिटिव इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू क्योंकि एक प्लेयर सिर्फ गेम के परस्पेक्टिव से मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत स्किल में एक जैसे होंगे थोड़ा ऊपर होगा बट एक एक प्लेयर एक लीडर uh, के सेंस में बात करूँ तो हरमन वन सच गर्ल जिसको मैंने देखा है कि uh, वो एक पूरी टीम को एक साथ रखती है हुँ. ना परफॉर्म करेगी बट बाकी को कराएगी श्री शिल्मा प्लेयर सिर्फ इश्केम एवं और uh, जैसे हम विराट कोहली का देखते हैं ना ओके एक बॉलर ने विकेट लिया तो विराट इवन इफ इज स्टैंडिंग एट द बाउंड्री ही बी मोर देन हैप्पी बॉलर से भी ज्यादा हैप्पी विराट वहां पे टीम <laughs> hmm. so like <laughs> में कुछ हो रहा है वो उसके चेहरे पे अच्छा है तो भी उसके चेहरे पे एंड कीप्स यू नो एवरी वन टूगेदर सो आई लाइक हरमन मन आई लाइक हरमन मन वाई डू गो बाकी अभी कंट्रीज में जब अपने पास <laughs> Yeah, very I like up the, uh, जब मैंने हमेशा हमें लाइट में रखता है आपको ये रिवॉर्ड्स मिले आपको रिकग्नाइजेशन मिला आपका जैसे आपने बोला कि स्वागत हुआ वैसा बट देर इज ऑल्सो अ डार्क साइड ऑफ क्रिकेट विच वन शुड नो जो क्रिकेट में आना चाह रहे हैं या फिर एज एन ऑडियंस हमें पता होना चाहिए ऑलवेज हर एक जॉब के डीमेरिट भी होंगे सो क्रिकेट में ऐसा कुछ है डीमेरिट जैसा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी hmm. कि क्रिकेट uh, में दिया ये hmm. जिस हुए विद ऑनेस्टी विद डेडिकेशन विदेट इज गिवन बैक as a player दिया है बट हाँ तो नहीं प्लेयर का लाइफ में आता ही है वेद इन कई बार उसका पर्सनल कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं जिससे गेम पे इम्पैक्ट एक्टली सो Oh, situation maybe. Uh, now the teams have behavioral psychologists with them. Okay. Not many people again mm. are aware of this thing. So there was a time in Harman's life also, wherein, uh, you know, she could not perform or she could not deliver up to the mark, I would mm. say. She's such a legend that performed she could not deliver up to the mark. Uh, she spoke her heart out with one of the behavioral psychologists. Who was assigned? Who was appointed with the team? Okay, and the you know her performance, her she kind of started delivering. Mm -hmm. And in one of her interviews, she did mention that you know wherever I am today, uh, I could contribute a part to this and this person because that behavioral psychologist that um, she helped me come out of that phase. Okay, so these mm -hmm. phases are there cricketers' life, my personal front. कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाते तो और शैल में चले जाते हैं देर आर टाइम्स वेर इन प्लेयर गेट्स इंजर्ड अपना स्टेट लेवल का भी एक अगर एग्जाम्पल दू मैं देर इज अ गर्ल एंड शीज बिन वेटिंग टू गिव ट्रायल्स टू बी पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस मैचेस शी गोट हर्ट और दे बिफोर ट्रायल मैचेस एंडियोज कंसल्ट फिजियोज एज पर दी गेव हर ब्रेक फॉर टू मैचेस अगली प्रैक्टिस है ट्रायल मैचेस एंड सिलेक्शन होगा तो आगे थोड़ा बहुत ट्रायल्स इन्हीं के बेसिस पे पता चलेगा नाउ द करेंट सिशन इज दैट शी कै नॉट प्ले दिस मैच इज बिकॉज ऑफ अर इंजरी ना अयर हुई दर टू गिव ट्रायल्स टू बी पार्ट ऑफ द स्क्स रोल्ड आउट बिकॉज ऑफ द इंजरी अब आप सोचो उस प्लेयर मेंटली वो किस स्टेज से गुजर रहा होगा So, ये कुछ डार्क साइड्स हैं जिसमें एक प्लेयर को जब एक लेवल पे पहुंचे या नहीं पहुंचे अपने आप को मेंटली ट्रेन करना पड़ेगा कि ये phases आ सकते हैं। hmm. Because ये आए हैं hmm. और इसमें से आपकी फैमिली आप बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि क्या वो आपको कॉन्स्टेंटली ब्लेम करेगी कि आप क्यों गिर गए पहले चोट क्यों लगवा दी क्योंकि ये भी होता है हाँ, exactly. या वो आपको सपोर्ट करेगी क्या आपके जो कोचेज हैं जिनसे आप बात कर रहे हो वो आपको आपके टच में रह रहे हैं दे आर नॉट मेकिंग यू फील लेफ्ट आउट या दे स्टॉप बीइंग इन टच विद यू जस्ट बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड पार्ट ऑफ द प्रोबर्स ये चीजें उस प्लेयर को और अब कहीं ना कहीं ये एक एसोसिएशन का उसमें रोल आता है कि हम हमारे लिए अगर वो प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट है टाइम दिया है तो ठीक है नहीं है ना में नहीं आएगा एक साल वेस्ट होगा बट लेट अस लेट नॉट डीमोटिवेट मोटिवेट प्लेयर उसके टच में रहे उससे बात करते रहे सो दैट उस प्लेयर क्योंकि हमें चाहिए लड़कियां क्रिकेट खेलने हुँ. के लिए उस उस प्लेयर के मन में ये ना हो रहे बस हो गया अभी अब मैं छोड़ दूंगी एक साल बर्बाद आगे नहीं खेलूंगी ये चीज नहीं आने पेगी एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू एड सम इन दिस जैसे आपने बोला कि फैमिली का रोल है क्रिकेट टीम प्लेयर्स का रोल है uh, जो ऑडियंस उनको देखती है जैसे अभी हमने देखा था पीछे हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोल किया कि वो खेल नहीं पा रहा है uh, इससे पहले विराट कोहली का जब हम मैच देखते थे वो शायद एक डेढ़ साल तक नहीं खेल पाए दे स्टार्ट ब्लेमिंग देअर फैमिली मेम्बर्स उनकी पर्सनल लाइफ पे डू यू थिंक उसका भी इम्पैक्ट पड़ता होगा यार लड़कियों को देखने तो आओ <laughs> <laughs> तो मैं वेट करूंगी आओ हाँ। आ रहे पिल में आ रहे हैं हाँ। बट या ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ उस लेवल पे जाके ना आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है तो उस लेवल की तो मैं बात नहीं करूंगी अभी छोटे लेवल का डोमेस्टिक लेवल की भी बात करूँ तो हा ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे एज अ कोच एज एज एन ऑडियंस आपको रिस्पॉन्सिबल uh, होना होता है टुअर्ड्स आर यू कॉमेंटिंग फॉर अ प्लेयर और टू द प्लेयर इन आर इन फ्रंट ऑफ द प्लेयर और बिहाइंड प्लेयर्स बिकॉज चीजें नहीं रहती एक जगह पे दे ट्रेवल सो बी वेरी माइंडफुल वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर हु इज पार्ट ऑफ द प्रोबेबल्स बिकॉज कहीं ना कहीं इस लेवल पे ना प्लेयर्स मेंटली स्ट्रांग नहीं सो yeah. so yes, ये इम्पैक्ट करती हैं प्लेयर्स जब ओवर थिंकिंग मोड में जाते हैं देख स्ट्रोंग uh, hmm. really uh, तो होती है ओवर थिंकिंग मोड मोर ऑफन देन मैन सो वेन विमेन आपने पूछा था ना क्वेश्चन है कि वॉट इज द मेन डिफरेंस चलो बायस वाला छोड़ो क्योंकि अः uh, ज्यादा कुछ लैक नहीं करता ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है मेन विमेन में एक स्ट्रेंथ का है कि ठीक है मेन आर स्ट्रॉन्ग सो ऑफकोर्स इज डिफरेंट स्किल की बात की जाए hmm. दोनों में सेम है एक पंद्रह साल का बच्चा जो स्टेट रिप्रेजेंट कर स्किल सेम है लेकिन जो ये मैंने आपसे एक फैक्टर बोला ना कि विमेन ट्रेड्स और मेन ट्रेड्स दे आर डिफरेंट हम आ, हमें कोर्सिस कराती है एसोसिएशन जैसे आ, लेवल वन कोचिंग के लेवल टू कोचिंग का दैट इज अ चैप्टर वेन इन Because, आपका पर्सनालिटी आपका माइंडसेट अलग है okay. जैसे मैंने आपको कहा कि ओवर थिंकिंग मोड पे जाना उन प्रेट्स पे हाउ कैन यू ट्रेन अन सो देट चैप्टर इट लाइक एवरी वन कोचिंग है ना कोचिंग सबका सेम है सो so, कोचिंग सबका सेम नहीं है यू हैव टू ट्रेन अन प्लेयर differently still there no compromise but it is all here how you have to deal with her mm -hmm. and you have to deal with the male player separately okay. in a different way okay okay mujhe laga tha ki एक jaisa hi hota hai aur to coach ab वो मैं दे दे तो कोचेस को जो ट्रेन किया जाता है वो तो एक ही तरह से किया जाता है बीट मेल कोच और फीमेल कोच सेम क्लासरूम में बैठे हैं but there is a chapter which says even if you are a male coach coaching a female player okay

बी सी इन बीसीसीआई लेवल वन लेवल टू लेस कराता है कोचेस के लिए अलग uh, बाकी प्रोफाइल्स hmm. हैं उनके लिए सिंस लास्ट थ्री ईयर एसोसिएशन हैज प्रोड्यूस्ड मोर देन थर्टी टू फोर्टी क्वालिफाइड लेवल कोचेस दे हैव नॉमिनेटेड एक्स क्रिकेटर्स हैड द नॉलेज हैव द नॉलेज so that they can go enhance their knowledge more, be part of those coaching programs, come back to the state, coach our players, coach our children here. Mm. So we have produced these many coaches in last three years. Mm. So career एक क्रिकेट अब का ना कहीं ना कहीं अगर मैं विमेन क्रिकेट की भी बात करूँ जैसे आप हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे तो पेरेंट्स uh, लड़कियों को कई बार रोक देते हैं क्या करोगे खेल के पढ़ो पढ़ाई अभी जे के की भी बात करूं तो एक डॉक्टर इंजीनियर के अलावा जैसे हम अभी शुरू में बात कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब क्या है उसके बाद बट अगर बच्चे का क्रिकेट में आप देखते हो उसको उसका इंटरेस्ट है उसको जाने दो उसको करियर बनाने दो क्योंकि एक बच्चा ना सिर्फ प्लेयर बन के नहीं रहता है सो मेनी थिंग्स चाइल्ड कैन गेट इन टू वंस ही और शी डिसाइड्स टू टेक रिटायरमेंट यू नो की तैहत ऑफ द फील्ड Uh, one can be uh, an umpire. Our hmm. association, is also courses. Kara rahi hai. Okay. There is a female umpire who is currently officiating. Also. Okay. Uh, I think Sapna is her name. Sapna Jamwal. Uh, there is a match referee course that association nominates player. There is a video analyst or a performance analyst. Uska course hai. Okay. Once you are, you know, uh, decides to. Uh, you know take a break from the game or take retirement then you can be a commentator you can be a sports journalist things don't end uh, you know being just a player only hmm. you have a lot of other areas where you can switch into uh, provided you show interest in that and of course the association is there to help you just put in a request uh, all right post podcast key last leg the podcast i wanted to ask um आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए होंगे विच विल गिव यू अ विजन कि ऐसे लाइफ होनी चाहिए ऐसे लाइफ जी सकते हैं अगर ये सिद्धांत आपकी लाइफ में हम मतलब किसी की भी लाइफ में हम डाल सकें वट आर द मेन टू और थ्री पॉइंट्स वन शुड कीप इन माइंड या वन शुड मैनिफेस्टेड दैट कि हाँ ऐसी लाइफ होगी तो अच्छा चलेगा चीज सो Uh, number one is be honest. <laughs> be honest in whatever you are doing. Hmm. Because at the end of the day, uh, I think you're not answerable to anyone. If I'm also working in the association, hmm. uh, role wise, yes, there'll be people who'll ask me questions, but at the end of the day, I'm answerable to myself. Honesty. <laughs> एथिकल वैल्यूज जो एक इंडिविजुअल में होती है ना दैट डिफाइन हाउ द कमिंग डेज आर गोइंग टू बी फॉर दैट पर्सन जैसे ऑनेस्टी का मैंने आपको बात किया अगर आप उतने ही डेडिकेशन के साथ उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मॉरल वैल्यूज हाई रख के काम कर रहे हो स्टैंड अप फॉर वॉट इज राइट नो मैटर वॉट

आप वो गाइडेंस भी तभी ले सकते हो इफ यूर ऑनेस्ट वो गाइड करने के लिए आपको गाइड कर लेंगे बट आप उसको ऑनेस्टली अप्लाई uh, नहीं करोगे उसको उन चीजों को इन्वाइट नहीं करोगे उनको आप uh, चीजों को uh, अपना डेली रूटीन में जहां आपको लाना यूज नहीं कर सकोगे इट्स ऑफ नो यूज इवन टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम वी ओपन टू फीडबैक्स सो I, you know, when, uh, as a selector, I got this role first year, Cholo Tike Thora guidance se bhi nikla. Secondly, I understood that, you know, uh, it is not something, uh, wherein it's going to be, uh, you know, a smooth walk, a cake walk for me. There are going to be a lot of problems. Uh, is player ko rakha, rakha not just internally, there'll be people externally also pinpointing you, maybe you're biased, maybe you know this person, that is why this person is, is in the dean. Uh, but if you know what you're doing is right, you have the facts and figures ready with you. you've done your work honestly. Uh, mm -hmm. so do not refrain from taking a step part mm. uh, standing up for what is right i it's been like 16-17 years continuously that I've been working once before that this I was in the corporate sector mm. uh, not everyone used to like me, <laughs> <laughs> but that is fine, <laughs> but that is fine because Joe hmm. Very true. you can't be a people pleaser every time, and don't be that. Hmm. Especially for the women. Especially for the women, please don't don't be a people pleaser. People will eat you. <laughs> they will they will eat you ruthlessly. So don't be a people pleaser. Yeah, yeah. Just be honest with yourself. Hmm. And if may I ask, one advice for women especially Start becoming independent. Hmm. You just can't be dependent on someone in your family throughout your life. You never know what's gonna happen. Hmm. So be efficient enough to be independent so that no one can dare to look down mm -hmm. at you. Rather, you should be the king of your own life, a queen of your life, right? King, queen of your own life. Mm -hmm. Yeah. Yes, very true. All right. Thank you. Thank you so much for being there. Um, I don't think that person asked for this sports uh, podcast. Um, as you mentioned earlier ke first one, first one so thank you for being part and uh, if you like to ask uh, if you like to say something about your team it will really be a pleasure i think you guys are doing a, a very good job in terms of calling people uh, who can have some influence on uh, maybe a smaller part of society बट येस yes, अगर अगर ये वाला पॉडकास्ट देख के कुछ एक दो लड़कियों को भी लगेगा ना अरे हाँ दिस पर्सन इज अप्रोचेबल थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं क्रिकेट के लिए भी आई hmm. थिंक ये सक्सेसफुल रहेगा मेरे लिए और आई uh, थिंक uh, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला क्या फॉलोइंग यू बोलाइज अभी पिछले कुछ टाइम से आई डिट नॉट सी एनी थिंग ऑफ यू नो दिस हैपनिंग इन जम्मू

Okay. so he told me about this thing so when i kind of Googled or two shared that they were guests at your uh, this place hmm. in your uh, the podcast so that's why i got to know about it you're doing it very well the kind of questions you guys ask uh, it's you're not doing it for yourself yes number one mm -hmm. so the questions are asked, that is going to the masses hmm. exactly. so you, you, you're keeping them in mind while asking the questions that is a very good thing and may you keep calling more people and may you inform the people yes. for going to come here. Okay. Ye guest aane waala, Please come and give be podcast because I missed the last podcast or the last session. I really wanted to be part of that. Yeah. Okay. So next time. We will. Yeah. Please at least whenever mm -hmm. I'm in German because DVS sir ko sunne ke liye I can sit anytime. <laughs> so <laughs> I missed that. <laughs> or maybe, you know, uh, I saw some of the statuses wherein, uh, of uh, the individuals uh, you've mentioned will be here for storytelling or for the poetry yes uh, for there was something else mm. apart from poetry and story. storytelling a standard. yes so start sharing more so that we can start sharing your thing more because within this space may you get a bigger space when we meet next so that instead of whatever number you said we have almost double or triple the number of people watching that yeah. That is my wish for you guys. Fingers crossed. Yes, <laughs> it will happen. <laughs> it will happen. Thank you. Thank you so much for being our guest. Thank you. Thank you for giving me opportunity. All right. तो ये थे हमारे साथ सुरभि ददीची। I hope आपको ये podcast अच्छा लगा हो, meaningful लगा हो। आह आपकी कोई भी feedback होंगे, आपके फॉर कोई भी comments होंगे, please do uh, comment and और बाकी भी कोई पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू तो आवर चैनल एंड वी विल द नेक्स्ट